हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग कुछ स्पेशल होगा क्योंकि हम जा रहे हैं जम्मू कश्मीर। हाँ जी हाँ, जम्मू कश्मीर जा रहे हैं और अभी चलते हैं कैंट से, स्टेशन से ट्रेन पकड़ेंगे, उसके बाद बैठेंगे, फिर चलेंगे कटरा उतरेंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगा आगे का। तो अभी तो सामान वामान पैक हो रहा है, तो चलिए देखते हैं। देख सकते हैं कार में सामान सारा रख चुका है, पूरा ढेर सारा सामान हो गया, काफी पूरी गाड़ी भर गई है। और देख लीजिए सब लोग यहाँ खड़े हैं। हाय करिए सब लोग, हाय गाइस, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो ये हमारी बड़ी मम्मी है, पापा चलेंगे, पूछा मेरा भाई है, लड्डू नहीं जा रहा है क्योंकि लड्डू उदास है, फिर कभी चलेगा ये। वैष्णवी जा रही है और नाना जी तो रहेंगे घर पे, नानी भी रहेंगी और आकाश भी रहेगा, इसीलिए इसका मुंह बना हुआ है, देखिए अंदर से हंस रहा है। शिवम क्या करेंगे, और चाची वहां से देखिए स्माइल कर रही हैं। और शिवम भैया इस समय तो लेबर बन गए हैं क्योंकि इन्होंने ही सारा सामान रखा है गाड़ी के अंदर। कुली नंबर। और हर्षित मिलते हैं फिर 10 दिन के बाद, 15 दिन बाद जब भी आएंगे तो मिलेंगे। और ये देव है, बाय बाय कर रहा है हम लोग को। मम्मी भी तैयार होके आ गई हैं, कैसा लग रहा है आपको वैष्णो देवी चलने में? चलेंगी, दर्शन करेंगी, माता रानी का दर्शन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे। चल रहे तब हमारे मामा जी हैं, चल के आशीर्वाद दा। खुशरा सबका यात्रा शुभ और मंगलमय हो भाई, अच्छे से रहे, अच्छे से। तो अभी हम लोग निकलते हैं। तो सबको बाय बाय, चलते हैं गाइस, अब बैठते हैं। गाड़ी तो पूरी फुल हो गई और हम जा नहीं पाएंगे क्योंकि देख सकते हैं कार पूरी फुल हो गई, अब हम लोग चलते हैं बाइक से। बाइक से चला जाए, कर दो। तो गाइस फाइनली हम लोग निकल चुके हैं बाइक से, देख सकते हैं आइए और बैग लेके अभी हम लोग चल रहे हैं कैंट। तो गाइस फाइनली हम लोग कैंट पहुंच चुके हैं। तो फाइनली गाइस हम लोग आ गए हैं, देख सकते हैं कैंट है हमारे पीछे, कैंट स्टेशन। तो इधर देख सकते हैं नंबर पे गाड़ी अपनी लगी, इधर पार्किंग एरिया है, इधर पार्क कर सकते हैं। और उधर जाएंगे तो आप बाइक लगा सकते हैं, आगे से पूरा बाइक लगा सकते हैं। और उधर से हम लोग आए हैं रोहनिया से, इधर तो देख सकते हैं पूरा मस्त लग रहा है, आगे ऊपर ब्रिज है, ब्रिज से भी आप आ सकते हैं। तो गाइस अभी खरीदते हैं मास्क शुरू किए, दस का है, कितने का है? अरे 10 की 40 का। तो अभी लेते हैं मास्क हम लोग, ट्रेन में पहनेंगे, वायरस की बचना है। तो गाइस फाइनली मास्क भी खरीद लिया है, देख सकते हैं मास्क से अभी चलते हैं। मम्मी पापा तो कार से आ रहे हैं, आ भी गए होंगे, देखते हैं आए हैं कि नहीं। तो अब मास्क ले लिए हैं, सबको मैं दूंगा मास्क, सब लोग मास्क पहनेंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि काफ़ी भीड़ है, तो वायरस से भी बचना है। कोरोना हालांकि है नहीं, पर फिर भी अपने सेफ्टी से हम लोग को रहना चाहिए हमेशा, क्योंकि काफ़ी डस्ट भी है ना, तो मास्क ज़रूरी है। लो इसको रख लो, हम लोग भी आ गए और हम लोग भी चल रहे हैं। और रवि तुम भी ला मास्क पकड़ो, बोले फार्म पर लेट पांच टिकट तू से ले ले, तू तुम्हें देने कहूं ना। तो अभी सब लोग चल रहे हैं, भैया लोग हैं देखिए साफ सामान, मेरे लिए एक 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 रख लीजिएगा। तो अभी हम लोग चलते हैं ट्रेन के पास।
तो फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं, हमारा इस ट्रेन में है सीट कंफर्म हो गया। मतलब थोड़ा सा ढूंढने में बहुत टाइम लगा, फाइनली ढूंढ लिया, बट देख सकते हैं हमारा मतलब इसी में है, तो चलते हैं। कितना बढ़िया लग रहा है यहाँ से देख सकते हैं, अभी इधर काम चल रहा है, अभी बन रहा है बहुत। और ये जो हम लोग का ट्रेन हुआ है ये आज से चालू हुआ है, मतलब ये आज से चलेगी। ये इसका क्या नाम है? फेस्टिवल एक्सप्रेस। इसका फेस्टिवल एक्सप्रेस है जो कि आज से शुरू हो रहा है, तो ये हम लोग का 8 नंबर पे आया है, देख सकते हैं पूरा। तो फाइनली गाइस हम लोग चल दिए हैं ट्रेन पे, देख सकते हैं ट्रेन चल रही है, और भाई है साथ में, सब लोग अंदर है, मम्मी भी आ गई है, देख सकते हैं ट्रेन चल रही है। तो वाराणसी स्टेशन दिखा दी, कितना बड़ा है वाराणसी स्टेशन, मैं दिखाता हूँ कितना बड़ा है भाई साहब, आगे तक है एकदम 3 किलोमीटर तक है, मैं आगे से आपको दिखाता हूँ। कहा भी चथे ए वाराणसी जंक्शन देखो, बोलिए सब लोग, बोलिए जोर से, बोलिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। पहुंचेगी कटरा, तो अभी हम लोग देखिए थोड़ा ठंड लग रहा था, तो मैंने बांध लिया एकदम, लग नहीं रहा है ठंड, और ट्रेन तो अभी सही स्पीड में, तो अभी इधर तो हो रहा है कौवा चिड़ै उड़, मैं दिखाता हूँ आपको, कौवा चिड़ै उड़ हो रहा है, और पापा सोए हैं, इधर मम्मी भी सोई है, ये अंकल देखिए पठानकोट से आ गए हैं, जो पहुंचने वाले हैं, सोने दो, बाय बाय। इधर बड़ी मम्मी देखिए, इनको ठंड लग रही है, साल उड़ रही है, मम्मी का स्थिति भी ठीक ठाक लग रहा है अभी, और इधर देखिए वैष्णवी पिटा रही है कायदे से लगा। पहले गाइस जैकेट पहन लिया, ठंड बढ़ गई थी, और हम आ भी गए हैं कटरा, देख सकते हैं हम उतर रहे हैं, देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है यहाँ से पूरा, बहुत मस्त स्टेशन है, एकदम साफ सफाई यहाँ बहुत ज़्यादा है, देख सकते हैं कहीं गंदगी नहीं है, और हम लोग भी आ गए हैं, देखिए सब लोग, मम्मी पापा सब लोग सामान लेके लिए हैं। अभी तो चलते हैं, देखते हैं कोई रूम लेके शिफ्ट होंगे होटल में, फिर तो सुबह दर्शन करने भी जाना है, चलते हैं आगे के, देखते हैं कैसी होता है। हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं, कहां बोलते हैं, कटरा जम्मू, कटरा स्टेशन, गाइस फाइनली सब लोग भी आ चुके हैं, क्योंकि और लोग भी चल रहे थे, पापा के फ्रेंड लोग थे, तो अलग स्लीपर में थे, तो सब लोग को मतलब एक जगह करने में टाइम लग जाता है, तो देखिए सब लोग आ गए हैं, और भाई भी है, देखिए कितना बड़ा बैग लिया है, एक और ये दो, इसमें खाली चिप्स भी पूरा भरा हुआ है,
पूरा मतलब भर के लाए हैं। अरे रवि भाई है जो कि बढ़िया पाए अपना पहिए वाला मेरा बैग अच्छा है, बहुत अच्छा, पहले से अपना जुगाड़ करके आए हुए हैं, ये बस झकेलना पड़ रहा है, ज्यादा मेहनत अभी करना, ये तुरंत निकल भी जाएगी स्पेशल फेस्टिवल एक्सप्रेस ना। हाँ तो सीढ़ी से ही चल रहे हम। गाइस कटरा स्टेशन तो बहुत अच्छा है और काफी साफ सफाई यहाँ पे है, देख सकते हैं पूरा। हम लोग अभी कितना बज रहा है, 12 बज रहा है, मतलब करीब 12 बजे पहुंचा दी, देख सकते हैं लाइन से ट्रेन लगी हुई है और बैग इतना वजन है कि थक गया। अभी चलेंगे रूम पे, उसके बाद खाना पीना खाएंगे, फिर सुबह में पूजा होगा, मतलब दर्शन करने के लिए निकलेंगे हम लोग। मस्त कसीन आ रहा है यहाँ से। तो यहाँ से भोजनालय है, यहाँ पे भोजन मिलता है, माता का प्रसाद, और देखते हैं क्योंकि काफ़ी सालों बाद आ रहा हूँ। 2013 में मैं आया था, फिर उसके बाद 2022 में आ रहा हूँ मैं। देखिए वैष्णो देवी यहाँ चल रही, कैसा लग रहा है माता के दरबार में आके? बहुत अच्छा। इनका नाम भी वैष्णवी यहीं से नाम पड़ा है, क्योंकि पापा का मन्नत था कि ये हुएंगी तो इनका नाम वैष्णवी होगा, और ये हुई तो इसीलिए 2013 में आए थे दर्शन करने, तो अब आना हो रहा है। देख सकते हैं गाइस माता का द्वार वहाँ ऊपर है, जो कि हम कल सुबह निकलेंगे चढ़ाई करने, और देख सकते हैं यहाँ पे कितना बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे श्री माता वैष्णो देवी कटरा, देख सकते हैं ये कैंट स्टेशन है जो कि कटरा के नाम से प्रसिद्ध है, और कितना मस्त लग रहा है। देख रहे हैं यहाँ से लाइन से सब लोग जाते हैं आगे तक, देखिए रास्ता है उधर से निकलने का। मतलब उतना चढ़ना है उतना ऊपर, टोटल कितना किलोमीटर होगा पापा? टोटल 13 किलोमीटर है बेटा, 13 किलोमीटर। टोटल 13 किलोमीटर है गाइस, 13 किलोमीटर हम लोग को, हाँ, और 6 किलोमीटर माँ का धाम है। 13 किलोमीटर हम लोग को चढ़ना होगा मतलब ऊपर, तब जाके माँ का द्वार आएगा। और यहाँ से देख सकते हैं आप एंट्री ले सकते हैं, और यहाँ से देखिए हम लोग जा रहे हैं आगे की ओर, और इधर देखिए पार्किंग एरिया है, इधर आप पार्क कर सकते हैं कार बाइक जो भी। देखिए वहाँ पे एक होटल है। बाबू रुको रुको, तुम लोग इधर आओ। यहाँ पे बोर्ड है वैष्णो माता का, यहाँ से स्टार्ट होता है जर्नी, और आगे तक देख सकते हैं लाइन से दुकानें भी लगी हैं, काफ़ी भीड़ है। देखिए इसमें मतलब 12:30 बज रहा है इस समय, तो कितना भीड़ है, सब लोग अपना सामान ले लेके जा रहे हैं उधर, होटल ले लेके रुकेंगे, फिर उसके बाद सुबह ही निकलेंगे सब लोग। चाय आ गए तो अभी चाय पीते हैं, तो अभी हम लोग चाय पीते हैं अभी गाड़ी का वेट हो रहा है, और सब लोग तो चले गए हैं, अभी इतने लोग बचे हैं देख सकते हैं, पापा हैं, भैया हैं, सब साथ में बाइक, और अभी चाय पी रहे हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं होटल, फिर मिलते हैं वहाँ के, देखते हैं कैसा होटल है। फाइनली गाइस गाड़ी तो आ गई, देख सकते हैं इसमें हम लोग बैठेंगे, फिर होटल तक जाएंगे, तो बैठते हैं। फाइनली हम लोग जा रहे हैं, बवाल गाड़ी चला रहे हैं एकदम छुपा दे रहे। अरे भाई गजब, टर्निंग पॉइंट गजब का है, अभी तो रुकिए कुछ बाहर का सीन देखते हैं। अभी लोग हम लोग एकदम चौराहे पे है ना,
पहले हम लोग आ गए हैं, देखते हैं कुछ ऐसा होटल है, देख सकते हैं, मैं आगे से दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे हम लोग आज रात रुकेंगे, कल सुबह चढ़ाई करेंगे माता वैष्णो देवी का। तो यहाँ पे हम लोग अभी रुकने का प्लान हुआ है, तो अंदर चलते हैं। तो अभी कराते हैं एंट्री, पापा करा रहे हैं एंट्री। एंट्री करा रहे हैं क्या पापा? ये माता वैष्णो का तस्वीर है। नाम एंट्री देना, आधार तुम क्या तो फाइनली आ गए अपने रूम में, देखते हैं किधर है ये रूम है। अरे टीवी भी चली, वाईफाई भी चली। हाँ हाँ, ये बाथरूम दिखाता है, ये दिखाता है। वाह, बाथरूम तो यार सही है। वैसे ये ओयो है, ओयो तो है, पहले बोले है ना, और अभी से पहले बोले ओयो। तो यहाँ पे सब लोग जेंट्स रहेंगे उसमें। और एक और लिया है हमने रूम, वो भी दिखाते हैं। और इधर देखिए सेकंड रूम है, जिसमें सारी लेडीज हैं, मम्मी हैं, सब लोग। चलते हैं वाईफाई के पास, पूछते हैं क्योंकि यहाँ तो सारे सिम बंद हैं। यहाँ शायद BSNL का चलता है, तो यहाँ BSNL के सिम लेना पड़ेगा। तो अभी पापा तो सिम लेंगे, बट अभी के लिए वाईफाई से काम चलाते हैं। चलते हैं पूछते हैं क्या है पासवर्ड, वाईफाई का पासवर्ड क्या है। हाँ राकेश, पहले पासवर्ड तो मिल गया, चलते थोड़ा चलाते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम से मतलब नेट बंद था। जम्मू वो जम्मू से ही बंद है, जम्मू से ही बंद था पूरा। और देखते हैं, काफ़ी लोग का मैसेज आया हुआ है, तो पहले उन लोग का हाल चाल लेते हैं, फिर तो रहते थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कैसे होता है, फिर मैं बताऊँगा आपको। तो गाइस खाना पीना तो हो गया, और अभी सब लोग सोने जा रहे हैं, देख सकते हैं। अब मैं भी जा रहा हूँ सोने, सुबह उठना भी है, और फिर नहा धो के फिर बाढ़ गंगा हम लोग नहाएंगे, फिर वहाँ से चढ़ाई शुरू करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी। तो अभी के लिए बाय बाय। अगर से आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि मतलब जब भी मेरा कोई वीडियो आए तो आपके पास सबसे पहले आए। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तो अभी के लिए बाय बाय।